साइक्लोन विपर्जय के प्रभाव में अभी सौराष्ट्र कच्छ एरिया में कुछ जगह पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने के साथ साथ आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है। इसके अलावा जो साउथ राजस्थान का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है, स्पेशली आफ्टरनून ऑनवर्ड्स। सीवियर साइक्लोन स्ट्रॉम विपर्जय जो कल रात को सौराष्ट्र कच्छ एरिया में केंद्रीकृत था वो धीरे धीरे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा में गति करते हुए आज सुबह 8:30 बजे भूज के आसपास, भूज से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा पे 30 किलोमीटर दूरी पे केंद्रीकृत है और ये थोड़ी से वीक हो गया है और ये अभी एक साइक्लोनिक स्टॉर्म जैसे भूज के पास केंद्रीकृत है। अभी ये साइक्लोनिक स्टॉर्म विपर्जय के साथ विंड स्पीड लगभग 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और धीरे धीरे ये साइक्लोनिक स्टॉर्म ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा पे गति करेगा सौराष्ट्र कच्छ के एरिया पे और शाम तक फर्दर वीक होकर एक डीप डिप्रेशन में परिणत होगा और डीप डिप्रेशन में जो परिणत होगा शाम को इसका विंड स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिनेस में 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। तब नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ सौराष्ट्र कच्छ और नॉर्थ गुजरात रीजन के ऊपर, तब एडजनिंग एरिया जो साउथ राजस्थान है वहाँ विंड स्पीड 40-50 किलोमीटर आवर और गस्टिनेस में 60 किलोमीटर आवर हो सकता है। ये साइक्लोन विपर्जय के प्रभाव में अभी सौराष्ट्र कच्छ एरिया में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल चल रहा है और आज का दिन सौराष्ट्र कच्छ और नॉर्थ गुजरात रीजन पे कुछ जगह पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने के साथ साथ आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है। राजस्थान स्पेशली साउथ राजस्थान पे आज हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होगा और 17th को भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने के साथ आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है। सर आज के लिए किन किन एरिया के इतना में आप लोग वार्निंग दे रहे हैं? आज के लिए हम गुजरात और राजस्थान ये दो स्टेट के लिए वार्निंग दे रहे हैं। गुजरात में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होगा और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल होगा, स्पेशली सौराष्ट्र एंड कच्छ डिस्ट्रिक्ट्स और नॉर्थ गुजरात रीजियन का जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे बनासकांठा वगैरह उसमें भी बारिश हो सकता है और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है। इसके अलावा जो साउथ राजस्थान का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है, स्पेशली आफ्टरनून ऑनवर्ड्स। और 17 तारीख को रेनफॉल एक्टिविटी रिड्यूस होगा गुजरात में, ओनली आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी हो सकता है नॉर्दर्न पार्ट्स में, मगर साउथ राजस्थान में हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है 17 तारीख को कुछ इलाका में।